मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है लाइन ऑफ सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड दो ज्योमेट्रिकल शेप्स विच हैव मोर देन टू और थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। सम ज्योमेट्रिकल शेप्स हैव मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री सच लाइक अ सर्कल। सम ज्योमेट्रिकल शेप्स हैव वन लाइन सिमेट्री लाइक अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। So today we are going to discuss that is reflection and symmetry. These two are two different basic topics, reflection and symmetry, but there is some relation in between these two topics. So first we discuss about the reflection. What is the reflection? We know that reflection, when we observe ourselves in front of the mirror, we can see our image clearly, but in a lateral changes. Like our left body part show right body part in the mirror, but the mirror exactly same as much as we. Is that clear? Like this is a mirror. This is the field of the mirror in which the image is formed. So here is an object like this is T. We place a T in the front of the mirror, then it observes like this. Okay. Like this. Okay. So if we are talking about S, this is the S. This is the S in the mirror. Okay. So this is the reflection symmetry. When the sides of the body are changes due to the image or the due to the mirror, then this such kind of symmetry is called reflection symmetry. So there are some other examples of the reflection symmetry like T. T as it is same simple T की अगर हम बात करें, अगर हम A की बात करें, like this, ऐसे ही, ठीक है? This is the image of A. This is B. The image of B is like this. Okay. So ये है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। मीन्स आप कोई भी शेप मिरर के सामने रख दो, लाइक मैंने कुछ ऐसे रिक्टेंगल रख दी मिरर के सामने, इसको प्रॉपर रिक्टेंगल बना लो। तो अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो कैसे बनेंगे? Like this, okay? So this is the reflection symmetry. Is that clear? There are so many examples in the reflection symmetry. You can take any object in front of mirror and observe them. Observe that you see that its reflection is. अगर मैं ऐसे रखूँ इसको मिरर के सामने, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या बनेगी? लाइक दिस ऐसे बन जाएगी। ओके, मीन्स आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख लेना, उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। अगर हम थ्री की बात करें तो थ्री कैसे दिखाई देगा हमें? ऐसे दिखाई देगा मिरर में। फाइव, ये फाइव बनेगा। टू, सॉरी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आप बनाकर देख लेना। आप अपने घर पर एक्टिविटी करना, अपने अपने घर पर कुछ भी लिख कर उसको मिरर के सामने रख देना। ठीक है, उसकी जो भी आपको इमेज मिलेगी वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में बस एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आप जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखोगे आपको उसकी इमेज बिल्कुल सेम वैसी ही दिखाई देगी, बस उसकी जो साइज हैं वो उसमें लैटरल चेंज आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक अबाउट द सिमिट्री. अवर होल चैप्टर इज कंप्लीट. सो लेट्स रिवाइंड द चैप्टर क्विकली. व्हाट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर? जस्ट टेक फॉर अ 1 or 2 minutes. वी रिवाइंड क्विकली. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिमिट्री. इसकी हमने डेफिनेशन की थी. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओवरलैप द अदर हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इन सिमिट्री. ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया था, इसकी एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड. सिमिट्री इज यूज, सिमिट्री इज वेरी हेल्पफुल फॉर द डेप्थ स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल साइंसेज, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंसेज एंड सो ऑन. देन हमने डिस्कस किया था लाइन ऑफ सिमिट्री. एंड एक्सिस ऑफ सिमिट्री. एक्सिस ऑफ सिमिट्री. आफ्टर दैट वी मूव ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप्स. सिमिट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप्स. सिमिट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सिमिट्री इन द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स. वी ऑल्सो स्टडीड द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स. एंड एट लास्ट वी स्टडीड रिफ्लेक्शन एंड सिमिट्री. Reflection and symmetry. There is a combination in reflection and symmetry. Means जो भी body की image reflect हो रही है वो symmetry में ही होगी, but there is a difference between their sides. Okay? So ये था हमारा सारा कुछ symmetry के बारे में जो हमने पढ़ा था. I think ये chapter सबको समझ आ गया होगा. जो सबसे easy chapter था आपका topic का. So इसकी answer की भी आपको जल्दी provide कर दी जाएगी. So thank you students, take care, stay at home because there is some rumors. I think it's a rumors or a exact predictions that they are asking for the third wave of the COVID-19 in the August, after the August 15. So be careful, stay at home. Thank you students.